व्हाट इज प्रीक्लाम्पसिया? प्रीक्लाम्पसिया इट इज मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, और उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया होता है। और जो इक्लाम्पसिया है, इक्लाम्पसिया इट इज एसोसिएटेड विद द प्रीक्लाम्पसिया विद कन्वर्जन एंड कोमा। मतलब प्री इक्लाम्पसिया के सिम्टम्स इक्लाम्पसिया में दिखते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, जो मदर है प्रेग्नेंट वुमन, वो उसको कन्वर्जेंस आते हैं और वो कोमा में भी जा सकती है। सो सिंपल डिफरेंस है, प्री इक्लाम्पसिया में हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया होता है, और इक्लाम्पसिया में कन्वर्जेंस आते हैं। सो प्री इक्लाम्पसिया के सिम्टम्स एंड साइन देखेंगे। प्री इक्लाम्पसिया में सिम्टम्स अलग दिखते हैं और साइन अलग दिखते हैं। सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट फील करता है उसको हम बोलते हैं सिम्टम्स, और साइन मतलब आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन और आफ्टर द ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो भी फाइंडिंग्स मिलते हैं उसको साइन बोलते हैं। सो सिम्टम्स देखेंगे प्री इक्लाम्पसिया में। प्री इक्लाम्पसिया के दो सिम्टम्स से मेन आपको ध्यान में रखना है, जो है माइल्ड सिम्टम एंड अलार्मिंग सिम्टम। अभी माइल्ड सिम्टम्स में क्या होता है, माइल्ड सिम्टम्स में जो पेशेंट का जो एंकल है उधर स्वेलिंग आता है, पेशेंट के एंकल को स्वेलिंग आता है, और वो स्वेलिंग फेस तक पहुंचता है, फिर फेस को स्वेलिंग आता है, फिर जो वल्वा है फीमेल का उधर स्वेलिंग आता है, फिर होल बॉडी को स्वेलिंग आता है। सो दिस इज माइल्ड सिम्टम्स, स्वेलिंग। माइल्ड सिम्टम्स में आपको ध्यान में रखना है कि स्वेलिंग आती है, होल बॉडी तक भी जा सकती है वो स्वेलिंग। देन अलार्मिंग सिम्टम्स, अलार्मिंग सिम्टम्स से, अलार्मिंग सिम्टम्स में क्या होता है, हेडेक होता है पेशेंट को, जो मदर है उसको हेडेक होता है, हेडेक की वजह से जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, जो विजन है उसका वो ब्लर हो जाता है और डिमिनिश होता है, मतलब कम दिखाई देता है पेशेंट को, जो यूरिनरी आउटपुट है वो भी डिक्रीज होता है, और एपिगैस्ट्रिक पेन फील होता है। सो दिस इज सिम्टम्स। अभी हम देखेंगे साइंस ऑफ प्रीक्लाम्पसिया। सिम्टम्स में दो सिम्टम्स है, माइल्ड और अलार्मिंग। माइल्ड सिम्टम्स में सिर्फ स्वेलिंग दिखता है आपको, और अलार्मिंग सिम्टम्स में हेडेक होता है, ब्लड विजन होता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती, मतलब स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, फिर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एंड जो यूरिनरी आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। साइंस में फर्स्ट है एब्डोमिनल वेट गेन, जो एब्डोमेन है उधर ही बहुत ज़्यादा जो फ्लूड एक्युमुलेट होता है और उससे वेट गेन होता है। देन सेकेंड है ईडिमा, होल बॉडी ईडिमा दिखाई देता है आफ्टर द फिजिकल एग्जामिनेशन, और हम ऐसे भी देखते हैं तो भी दिखाई देता है वो। थर्ड है पल्मोनरी ईडिमा, एंड आफ्टर दैट जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं ANC मदर का, तो उसमें प्लासेंटल इनसफिशियंसी दिखाई देती है। प्लासेंटल इनसफिशियंसी मतलब जो फीटस है अंदर उसको जो प्लासेंटा के थ्रू जो न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए वो बराबर नहीं पहुंचता, वो कम जाता है। सो उसकी वजह से जो फीटस का जो ग्रोथ रिटार्डेशन है वो भी होता है। सो दीज आर साइंस ऑफ प्रीक्लाम्पसिया। अभी हम इक्लाम्पसिया के साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। प्रीक्लाम्पसिया में आपको ध्यान में रखना है कि जो भी साइन और सिम्टम्स है दैट इज़ रिलेटेड टू इडिमा होनी चाहिए, हाइपरटेंशन के रिलेटेड होना चाहिए, यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज होना चाहिए, फिर प्रोटीन यूरिया होना चाहिए, दिस ऑल फाइंडिंग्स आर कम्स अंडर दी प्रीक्लाम्पसिया। और अभी इक्लाम्पसिया में आपको एक ही ध्यान रखना है कि जो साइन एंड सिम्टम्स है दिस इज रिलेटेड टू कन्वर्जन, मतलब पेशेंट को कन्वर्जन आता है उसके रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे। इक्लाम्पसिया में जो भी साइन सिम्टम्स है उसको बोलते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सो वो क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स आर डिवाइडेड इंटू द फोर स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज प्री मॉनिटरी, सेकेंड टोनिक स्टेज, थर्ड क्लोनिक स्टेज, एंड लास्ट इज कोमा स्टेज। अभी एक एक करके हम देखेंगे कि उन स्टेजेस में एक्चुअली होता क्या है। प्री मॉनिटरी स्टेज में होता क्या है, ये प्री मॉनिटरी स्टेज 30 सेकेंड के लिए रहती है, आपको ध्यान में रखना है, प्री मॉनिटरी स्टेज लास्ट फॉर 30 सेकेंड। देन प्री मॉनिटरी स्टेज में अभी पेशेंट कोमा में, अभी पेशेंट को कन्वर्जन आने से पहले जो भी साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट को, तो वो क्या होते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है इमिडिएटली। फिर पेशेंट अनकॉन्शियस होने के बाद जो फेस के मसल है, जो हमारे बॉडी के मसल है, जो जो फीट के मसल है, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेच होने लगते हैं, मतलब वो खींचने लगते हैं। फिर जो आईबॉल है वो रोल ओवर होता है, और नहीं तो एक साइड में आ जाता है आईबॉल। दिस ऑल इंक्लूड्स इन द प्री मॉनिटरी स्टेज। प्री मॉनिटरी मतलब कन्वर्जन, एक्चुअली कन्वर्जन आने से पहले क्या क्या होता है पेशेंट में, दैट इज कम्स अंडर प्री मॉनिटरी। अभी सेकेंड देखेंगे टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में क्या होता है, ओपिस टैटनस पोजिशन जो TT के पेशेंट है उसमें आती है। सो सेम कंडीशन टॉनिक स्टेज में होता है, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, रिजिड हो जाती है, जो आईबॉल है वो भी फिक्स हो जाते हैं एक जगह, फिर जो हाथ पैर है वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं, पूरे एक्सटेंड हो जाते हैं, जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन भी बंद हो जाता है, जो पेशेंट की टंग है जो वो टीथ के बीच में आ जाती है। सो दिस ऑल कम्स अंडर द टॉनिक स्टेज। टॉनिक स्टेज में एक ही ध्यान में रखना है कि पूरा जो बॉडी है वो रिजिड हो जाती है, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है, जो टंग है वो टीथ के बीच में आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि साइनोसिस होता है, पूरा बॉडी जो है वो साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, क्योंकि डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई वो करेक्टली जाता नहीं है, और जो सिस्टम है हमारी बॉडी की उसको,
सो बिकॉज ऑफ दैट साइनोसिस अपियर्स और ये स्टेज भी 30 सेकेंड के लिए रहती है, इट लास्ट फॉर 30 सेकेंड. टोनिक के बाद थर्ड स्टेज है क्लोनिक स्टेज. क्लोनिक स्टेज में क्या होता है, टोनिक स्टेज में पूरा बॉडी जो रिजिड हुआ है वो क्लोनिक स्टेज में नॉर्मल होने की कोशिश करेगा. मतलब नॉर्मल मतलब जो भी रिजिडिटी है वो कम हो जाएगा, मतलब जो मसल से उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गए और फिर वो स्टार्ट होने के बाद जो टंग जो टीथ के बीच में थी सो वो भी बाइट हो जाएगी. फिर ब्लड सप्लाई जो स्टॉप था वो भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जो साइनसिस है वो भी डिसअपीयर हो जाता है ये स्टेज में, क्लोनिक स्टेज में. और पेशेंट की माउथ से फ्रोथी सिक्रेशन आता है. सो दिस ऑल कम्स अंडर द क्लोनिक स्टेज. क्लोनिक स्टेज में एक ही ध्यान में रखना है कि जो भी मसल जो रिजिड हुए थे, पूरी बॉडी रिजिड हुई थी, वो नॉर्मल में आने को ट्राई करते हैं और जो साइनोसिस है वो भी डिसअपीयर हो जाता है. इट लास्ट फॉर 1 to 4 मिनट्स. एंड जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ कोमा स्टेज. कोमा स्टेज आपको मालूम ही है कि पेशेंट कोमा में जाता है. अगर वो क्लोनिक स्टेज से बाहर नहीं आया तो सेकेंड कन्वर्जन आने तक पेशेंट कोमा में ही रहता है, नहीं तो जो ब्रीफ पीरियड बोलते हैं हमको, ब्रीफ कोमा आता है पेशेंट को, नहीं तो परमानेंटली सेकेंड कन्वर्जन आने तक पेशेंट जो है वो कोमा में ही रहता है. अभी प्री क्लाम्शिया के जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम देखते हैं. दैट इज़ डिवाइडेड अंडर द इमीडिएट एंड रिमोट कॉम्प्लिकेशन. इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में जो कॉम्प्लिकेशन है दिस इज रिलेटेड टू मैटरनल एंड फीटल. अभी मैटरनल में देखेंगे हम. सो मैटरनल में कब कब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो फर्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब मदर जब प्रेगनेंट रहती है तब. सेकेंड ड्यूरिंग लेबर, मतलब जब मदर लेबर में रहती है तब. एंड थर्ड है आफ्टर डिलीवरी, मतलब प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं हम उसको. सो फर्स्ट देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मदर विजन है उसका ब्लर होता है और डिमिनिश हो जाता है, सो उसकी वजह से कभी कभी ब्लाइंडनेस भी हो सकता है. सेकेंड है एक्सीडेंटल हेमोरेज, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होने की वजह से जो हेमोरेज है वो भी हो सकता है एक्सीडेंटली. देन थर्ड हेल्प सिंड्रोम, HELLP, जो यूरिन आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाता है और कभी कभी यूरिन आउटपुट स्टॉप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अनयूरिया. प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, मतलब जो मदर है उसको 9 मंथ कंप्लीट नहीं है और फिर भी जो लेबर है वो आ रहा है मदर को. सो दिस इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री क्लाम्शिया. ड्यूरिंग लेबर जो हेमोरेज बहुत ज़्यादा होता है, सो उसकी वजह से पोस्ट पार्टम हेमोरेज भी हो सकता है. प्यूपेरियम का पीरियड है, मतलब आफ्टर डिलीवरी, तो आफ्टर डिलीवरी पेशेंट को कन्वर्जन भी आ सकता है विद इन 48 आवर्स. देन जो पेशेंट है उसको सेप्सिस भी होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ दी सर्जिकल इंटरवेंशन. एंड पेशेंट गोज इन टू दी शॉक. सो दीज आर दी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, इमिडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीक्लाम्शिया. फीटल कॉम्प्लिकेशन में 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज इंट्रायूटराइन डेथ. इंट्रायूटराइन डेथ इट इज ड्यू टू द मैटरनल एक्सीडेंटल हेमरेज, मतलब जो हेमरेज होता है मदर को प्रेगनेंसी के टाइम, सो उसकी वजह से जो अंदर फीटस है वो डेथ हो जाता है. सेकेंड है इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, दिस इज ड्यू टू द प्लासेंटल इनसफिशियंसी, मतलब प्लासेंटा के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए फीटस को वो होते नहीं. नेक्स्ट है प्री मैच्योरिटी एंड एस्पेक्सिया. एंड लेट्स सी रिलेटेड टू द रिमोट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री क्लाम्शिया. रिमोट कॉम्प्लिकेशन में जो कन्वर्जन है और जो कन्वर्जिव एपिसोड्स है वो आफ्टर 6 मंथ भी मदर को आ सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया, बिकॉज ऑफ अनयूरिया, बिकॉज ऑफ लेस यूरिन आउटपुट, देयर इज अ रिनल फेलियर और रिनल डिसीजेस में ऑकर इन क्रोनिक स्टेज. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इक्लाम्शिया, इट इंक्लूड्स द ऑर्गन डिसफंक्शन, देन रिनल फेलियर, हार्ट फेलियर, शॉक, सेप्सिस, सेरेब्रल हेमोरेज. एंड अंडर द पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया हो जाता है पेशेंट को बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द फ्रोथी सिक्रेशन फ्रॉम द माउथ एंड एम्बोलिज्म. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इक्लाम्शिया. देन वॉट इज द ट्रीटमेंट क्राइटेरिया फॉर प्रीक्लाम्शिया एंड इक्लाम्शिया. प्रीक्लाम्शिया में आपको निमोनिक से वो याद रखना है, दैट इज सैड. सो वॉट इज इन बाय सैड, यस मीन्स सिडेटिव, ए मीन्स एंटी हाइपरटेंसिव एंड डी मीन्स डायूरेटिक. सो यू हैव टू रिमेंबर यस ए डी फॉर प्रीक्लाम्शिया. एंड फॉर इक्लाम्शिया यू हैव टू रिमेंबर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लाम्शिया, दैट इज DMG SO4.